ओडिशा के कालाहांडी से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। ये खबर इंसानियत को झकझोर कर देने वाली है। ओडिशा के पिछले जिले कालाहांडी में एक आदिवासी को अपनी पत्नी के शव को अपने कंधे पर लेकर चलना पड़ा। अस्पताल से कोई मदद नहीं मिलने की सूरत में शख्स अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चला। दाना मांझी की पत्नी की मौत टीबी की वजह से हुई थी, लेकिन अस्पताल से शव को घर तक ले जाने के लिए अस्पताल से कोई सुविधा नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से दीना मांझी को पत्नी का शव कंधे पर लेकर चलना पड़ा। हालांकि मीडिया में खबर चलने के बाद करीब 12 किलोमीटर बाद एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। ओडिशा के अस्पतालों में यह हाल तब है जब सरकार ने महापरायण योजना लागू कर रखी है। फरवरी महीने से हुई थी महापरायण योजना की शुरुआत। शव को अस्पताल से घर ले जाने तक के लिए मिलती है मुफ्त परिवहन सुविधा। महापरायण योजना पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च करती है ओडिशा सरकार।